नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ खास मेहमान, जैसा कि बताया आपको, मनोज कुमार शर्मा जी आईपीएस ऑफिसर हैं, डीआईजी हैं सीआईएसएफ के साथ और 12th फेल हैं। बात इससे करें कि इन्होंने कहा कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ के फतेह करूंगा, तो एक तरीके से इन्होंने अपने मन में जो भी एवरेस्ट गढ़े हुए थे उनकी फतेह की। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मनोज, सीधे कि एवरेस्ट फतेह तो कर लिया, अब आप क्या करना चाहते हैं? दिबांग जी, हमारे यहाँ हमेशा बोला जाता है कि ऊपर चढ़ना आसान है पर ऊपर से नीचे आना बहुत एक दो सेकंड का काम होता है। गलती हुई कि आप नीचे आए, तो मैं धीरे धीरे उतर रहा हूँ, एवरेस्ट से उतर रहा हूँ, अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ जो मेरा काम है, जिस कारण से मैं सर्विस में हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो हम लोग एक पुलिस वाले के रूप में काम करते हैं वो काम करूँ, तो बहुत आराम से ज़िंदगी चल रही है। लकीली ये एक 3-4 महीने का एक ऐसा टाइम आया था जिसमें लोगों तक 12th फेल गई तो 12th फेल के साथ में मनोज भी गया और विक्रांत मैसी ने जो एक्टिंग की इस मूवी में और विद्युत चोपड़ा जी ने जो डायरेक्शन किया, वो सब ऐसा कुछ था रियलिस्टिक कि उससे मुझ पर भी चर्चा हुई। पर हाँ, इस चर्चा के बाद काफ़ी देश में एक ऐसा माहौल बना जिसमें जो बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या उनको सिखाना है, ये चीज़ एक मूवी दे पाई, ये मुझे बड़ी खुशी है। क्योंकि हमारे पास में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि बच्चों के सामने आदर्श क्या रखें, हम आज़ादी के बाद कैसे उनको बताएं कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो हो ये रहा था कि बच्चे माँ बाप से बोल रहे थे कि आपने मुझे एडमिशन नहीं कराया, आपने पैसा खर्च नहीं किया मेरे ऊपर, इसलिए मैं आज ये नहीं कर पाया। हमारे पास बहानों की बहुत सारे बहाने थे, तो इस पिक्चर ने इतना किया कि बहाने बहाने ही होते हैं, अगर आप में ताकत है, दम है, आप लगातार मेहनत करते हैं तो जीवन में किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए आप सफल हो सकते हैं। देखिए, इनकी जो कहानी है बहुत इंस्पायरिंग कहानी है, तो कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मैंने पढ़ा कि मुरैना से हैं, मैं गया हूँ भिंड मुरैना, और मैंने वहाँ इसलिए गया क्योंकि मैंने 2 बार डॉक्यूमेंट्री बनाई डाकुओं पर, मोहर सिंह, मलखान सिंह, माधो सिंह फूलन देवी के साथ हमने वहाँ पर शूट किया। और जौरा के हैं ये, जौरा वो जगह है जहाँ पर डाकुओं ने सरेंडर किया था गांधी आश्रम में। वहाँ पर लोग बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं और हर कंधे पर आपको एक पचफेरा 5 गोली फायर करने वाली बंदूक दिख जाएगी, नहीं तो कोई ना कोई बंदूक ज़रूर दिखती है। वहाँ से आप निकल कर आए और मतलब आपको तो बागियों को तो पुलिस के दूसरे तरफ होना चाहिए, आप इस तरफ कैसे कूदे, क्या कैसा हुआ ये? आपने कितना सही शब्द यूज़ किया, पचपेरा, बहुत कम सुनने को मिलता है हमको बाहर। हमारे पास 2 तरह की बंदूकें बहुत होती हैं, पचपेरा एक दुनाली, दुनाली जैसे 2 गोलियां चलती हैं, पचपेरा जैसे 5 गोलियां चलती हैं। तो हमारी भिंड मुरैना का जो कल्चर है चंबल का, वो कल्चर में बंदूक होना और बाकी हथियार होना बहुत बहुत ईजी माना जाता है और हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को ताकत का और अंदेशा माना जाता है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि जब जब भी भारत पर आक्रमण हुए, तो जैसा कि आप जानते हैं सब नॉर्थ से हुए, और जब जब भी ये सब आक्रमण होते थे तब ये जो बेल्ट है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मथुरा तक का ये जो एरिया है, वो हमेशा इस रिवोल्ट के सामने खड़ा हुआ। तो जब खड़ा हुआ, बार बार लड़ना पड़ता था, तो लोगों ने हथियार रखना शुरू किए अपनी आत्मसुरक्षा के लिए। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जब आज़ाद हुए हम लोग और उसके बाद धीरे धीरे पिक्चर बनना शुरू हुई और हमारे गांव को, हमारे चंबल को लोगों ने डकैत से जोड़ दिया, डाकुओं से जोड़ दिया कि यहाँ डकैती हो सकते हैं, तो ये दर्द मेरे पास काफ़ी सालों तक रहा है कि हम मुरैना भिंड डकैत नहीं हैं, बेसिकली हम बागी हैं। डकैत और बागी के बीच में बड़ा अंतर है। बागी वो होता है जो बगावत करता है सिस्टम से, हम सिस्टम से बगावत करने वाले लोग हैं। और इसलिए मेरे मन में बहुत सालों से ये इच्छा थी कि इस डाकू वाली ज़िंदगी को हटा करके मैं ये दिखा पाऊँ कि ये जो एरिया है वो एरिया बेसिकली उन लोगों का है जो मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए डाकुओं का नाम हटाइए,
आप जैसा बता रहे हैं कि जोरा में, मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर मेरा जोरा है जहां दिबांग जी ने बात की, वो जगह थी जहां डाकू ने सरेंडर किया, वो जगह थी जहां पूरे दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग, सर्वोदय नेता आए, विनोबा भावे जी आए, जयप्रकाश नारायण जी आए, सुब्बा राव जी आए, इन लोगों ने वहाँ पर सरेंडर किया और एक ऐसी प्यारी गांधी आश्रम बनाया। उसके बाद वहाँ के बच्चों में एक नई चेतना आई, मैं खुद उससे जुड़ा, मैं खुद उनकी यात्राओं में गया, खुद मैंने देखा। सुब्बा राव जी तो इतने बड़े गांधीवादी नेता थे कि 97 ईयर की एज में पिछले साल उनकी डेथ हुई है, और वो मुंबई जब भी आते थे तो अभी भी वो हाफ पैंट पहन करके, एक हाथ में झूला लटका करके मेरे पास ही आते थे, मेरे घर ही रुकते थे। तो मेरा बोलना ये है कि चंबल अकेला सिर्फ डाकू नहीं है, चंबल कुछ और है। हाँ, एक चंबल की खासियत ये है कि जो वो करना चाहता है वो जिद्दी है, उसको आप अच्छी जिद बना दीजिए। मान लीजिए कि आप बंदूकों की भाषा बात करते हैं, मान लीजिए वहाँ पर एक राइफल क्लब बना दीजिए, मान लीजिए शूटिंग के लिए कोई अच्छी शूटिंग रेंज बना दीजिए, तो वो तब्दील हो जाएगा, वहाँ पर लोग उसमें चले जाएंगे। फिर आप वहाँ से, आपने वहाँ से आप गए ग्वालियर? हाँ, तो मेरा सफ़र ऐसा था कि मैं जब गाँव में था तब मैं चाहता था कि उतना ही मेरा विजन था कि 12th पास हो जाए, अच्छे नंबरों से हो जाए, और मैं कुछ टाइपिंग वगैरह सीख लूँ तो मैं कहीं ना कहीं चिपक जाऊँगा, कहीं लग जाऊँगा। मेरे घर की स्थिति ऐसी थी नहीं कि मैं अफोर्ड कर सकता, मैं चाहता था कि घर वालों के गाँव में कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ। तो 12th में जब फेल हो गए, हाँ, एग्जाम देने गया तो फेल हो गए, और फेल हो जाने के बाद समझ में आया कि ये फेल मैं क्यों हुआ हूँ, क्योंकि नकल नहीं चली। नकल नहीं चली, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक नकल करने का सिस्टम था, टीचर आते थे बोर्ड पे लिखाते थे और हम सब लोग उसको टीप देते थे, और टीप करके हम सब लोग परसेंटेज में अपने हिसाब से पास होते थे और कोशिश करते थे कुछ नौकरी लग जाए, कुछ काम धंधा हो जाए, कुछ शुरू करें। लेकिन उस साल क्या हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति ऑफिसर के बन के रूप में आए जिन्होंने कि नकल नहीं होने देने का बीड़ा उठाया था, और वो हमारे स्कूल में आके बैठ गए, नकल नहीं होने दूंगा, और सच में नकल नहीं हुई। तो मेरे दिमाग में ये बात गई कि मेरे हमारे उस बच्चे के लिए जो 12th में पढ़ रहा है, जो गरीब घर से है, उसके लिए सबसे बड़ा आदमी प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल हाथ जोड़ रहा है उनके सामने बार बार जा करके, नहीं नहीं रुको, आप खाना लाते हैं, चाय लाते हैं। तो उसने कहा नहीं, नकल होगी ही नहीं। तो मुझे ये लगा कि यार ये इतना बड़ा आदमी कौन है ये, और अगर इतना बड़ा आदमी है जिसके सामने सिस्टम ऐसे फैला हुआ है, बैठा हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं बन सकते हम। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ मेरे अंदर रह गई, और जब मैंने उनसे बात की, चर्चाएँ हुई, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा बनने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, नकल छोड़नी पड़ेगी, और आप नकल छोड़ेंगे, चीटिंग छोड़ेंगे, तो लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये सोच करके फिर मैं ग्वालियर आया, और ग्वालियर से ग्वालियर में आपकी एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई आपके ऐसे दोस्त की जिन्होंने फिर वो किताब लिखी आपके ऊपर। हाँ। लेकिन वो जो किताब है वो आपकी स्ट्रगल की रही, ऐसे कौन से पड़ाव हैं स्ट्रगल के जो आपके ध्यान में आते हैं, रहते हैं? और चूंकि अब फिल्म आ गई है, लोगों ने फिल्म देखी है, तो उसमें उनकी बात हुई उस स्ट्रगल की। ग्वालियर में आने के बाद मेरा एक अच्छा दोस्त बना अनुराग पाठक। अनुराग पाठक ने मुझे इतनी हेल्प की कि दोस्ती की परिभाषा ही थोड़ी अलग हो जाती है। उसने मुझे साथ रखा, साथ मेरे साथ खाना दिया, मेरे को कपड़े दिए, मेरे को अपने साथ में हर समय साथ लेके जाता था, अपने पर्स को मुझे देता था, रख ले तू, बाद में मुझसे पैसे मांगता था कि चाउमीन के लिए दे रहा है कि 8 रुपये की चाउमीन हाफ आती थी उस समय। तो वो ऐसा दोस्त था जो प्यारे दोस्त होते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता है, हम भले ही भूल जाएँ लेकिन कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करता है। वो जब मेरे साथ था तब उसने मेरी काफ़ी हेल्प की, पर चूंकि वो भी ऐसा नहीं था कि हेल्प पूरी कर पाए, तो फिर मुझे ऐसे कुछ स्ट्रगल में काम करने पड़े जो काम ऐसे थे जिनके सहारे मैं आगे बढ़ सकता था। जैसे मैं जब गांव से शहर आया था तो गांव में मैंने टेम्पू चलाया था, टेम्पू चलाने के बाद मैं जब यहाँ आया तो मुझे समझ में आया कि मुझे किसी भी हालत में लाइब्रेरी में एक काम मिला जहाँ मेरे को 350 रुपये मिलते थे। लाइब्रेरी के काम में मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं प्यून जरूर था वहाँ पर, लेकिन किताबें बहुत पढ़ने को मिली। मैं जानता भी नहीं था कि ये मैक्सिम गोर्की कौन है, ये अब्राहम लिंकन कौन है,
मैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ पाया, मैं अम्बेडकर के जी के बारे में पढ़ पाया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ पाया जो मेरे लिए तिलिस्म था, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब लोग इतना आगे कैसे बढ़े हैं। और मैंने एक बात महसूस की कि जितना जो आदमी आगे बढ़ा है वो उतना ही ज़्यादा ईमानदार, सरल और छोटे घरों से आया है। तो मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, अगर वो कर सकते हैं तो। मेरी समस्या ये थी कि मुझे बोलना नहीं आता था, मेरी समस्या ये थी कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मेरी समस्या ये थी कि मैथ नहीं आता था, साइंस नहीं आता था। तो मैंने उस लाइब्रेरी में, मुझे याद है कि मैं जब सब चले जाते थे तो लाइब्रेरी बंद करके घंटों अकेला ही भाषण देता था, भाई और बहनों आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे करते करते मैं कोशिश करता था कि मैं सीख जाऊँ, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि कॉलेज में जहाँ पढ़ता था वहाँ एक दिन मैं मंच का संचालन करूँ। मंच का संचालन करना बहुत टफ काम होता है, बहुत टफ। तो वो मैं सीखने की कोशिश करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हर चीज़ धीरे 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 सीखने से आती है। माँ के पेट से कोई भी व्यक्ति सीख कर नहीं आता, ये बॉर्न इंटेलिजेंसी की जो संकल्पना है उसे मैं नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको एक्वायर करनी पड़ती है नॉलेज, इंटेलिजेंसी, और जो जब कर जाए। जीवन में कभी भी आप 4-5 साल किसी भी एक क्षेत्र में दे दीजिए, आप एक्सकेल कर, आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो 4-5 साल आपके जीवन का वो हिस्सा है जब आपने पूरी ताकत से पूरी मेहनत से दिए। तो ऐसे ही ये स्ट्रगल था। यहाँ एक ऐसी दिक्कत आई इस लाइब्रेरी में कि मुझे थोड़ा ऐसा बताया गया कि मैंने एक जगह पे जब पेपर रद्दी बेच रहा हूँ तो मैं पैसे ज़्यादा में बेच दिया, कम मैंने पैसे दिए, ऐसा उनका आरोप था। तो मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि आप, मेरा ऐसा बोलना है कि स्वाभिमान की रक्षा हम लोगों को सब कुछ हार के करना चाहिए, मुझे लगा कि मेरा स्वाभिमान हाथ हो रहा है। तो लाइब्रेरी छोड़ी मैंने। उसके बाद मैं आटा चक्की पर आटा पीसने का काम करता था। आटा चक्की पर आटा पीसने में मैं घंटों आटा पीसता था। वो मेरे लाइफ का बड़ा स्ट्रगल वाला दौर था, जहाँ पर कि मुझे लगता है कि मुझे ये ताकत महसूस हुई। इस पिक्चर में एक बड़ा अच्छा एक डायलॉग है जो मुझे बड़ा पसंद है बहुत ज़्यादा, कि समस्या बाहर का अंधेरा नहीं है, समस्या अंदर का अंधेरा है। हमारे अंदर जो अंधेरा है ना, उससे लड़ने की एक ही तरीका हो सकता है, और वो ये है कि हम बाहर से नहीं डरें, अंदर अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो फिर अपने आप सब ठीक होता जाता है। ये स्ट्रगल का दौर था। फिर उसके बाद एक और स्ट्रगल का दौर आया मेरी लाइफ में, वो ये था कि मुझे मालूम चला दिल्ली में कि मुखर्जी नगर के इलाके में जहाँ हम लोग सब तैयारी करने पढ़ने जाते हैं कि वहाँ पर डॉग वॉकिंग की जा सकती है। ये कई ऐसे घर थे जिनके बच्चे बाहर हैं या कोई और बाहर है, तो डॉग रखे हुए हैं घर में बंदे बंदे हैं, उनको पॉटी शॉटी कराने के लिए जगह नहीं है, टाइम नहीं है। तो मुझे लगा ये सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं कुछ डॉग ले लूँ और लेकर के घुमा करके 1-2 घंटे लेके आ जाऊँ और उसको ला दूँ। तो वो मैं करने लगा। मुझे एक कुत्ते का, एक डॉग का 400 रुपये मिलता था। 400 रुपये पर कुत्ता। ऐसे 4 कुत्ते भी आपके पास आ गए तो आप 1600 रुपये में आप जी खा सकते हैं, रह सकते हैं। तो वो मैंने किया। और उस दौर में जब मैं कर रहा था, तब एक लड़की थी दिल्ली में, श्रद्धा, जो जिसके साथ में मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता था, और मुझे लगता था कि ये वो लड़की है जैसी लड़कियाँ आपके जीवन में आ जाएं तो आपका जीवन बहुत आगे निकल जाता है। पर मेरी दिक्कत थी कि उसको ये नहीं मालूम चलना चाहिए कि ये कुत्ता घूमने का काम करता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए बोले कि यार छोड़ो, ये लड़का किसी काम का नहीं है। पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब एक दिन उसे मालूम चल गया और उसने कहा, करे मुझे डॉग बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो मेरा बोलना ये है कि इस दुनिया में आपको अगर आप आँख खोल के रखेंगे तो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपके स्ट्रगल में कहाँ खड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलता। दिक्कत दिव्यांग जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी पूरी लाइफ की कहानी इस बात को लेकर है कि समाज में लोग भरे पड़े हुए हैं, अच्छे लोग। मेरी फीस किसी ने भरी कभी? मेरे को कई मकान मालिकों ने मुझसे किराया नहीं लिया। कई ऐसे लोग जो जीवन में मेरे लिए खड़े हो गए, गौरी भैया जैसे लोग, जिन्होंने कहा कि नहीं तुम हो ना यार, क्योंकि सबके दिमाग में एक बात थी। अभी एक जस्ट अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक सेशन चल रहा था, उसमें बड़ी प्यारी लाइन आई थी, भेड़ बकरियाँ। हम जितने भी गांव के बच्चे हैं, गांव के लड़के लड़कियाँ हैं, वो भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं। और भेड़ बकरियों में से जब एक की जीत होती है तो सबकी जीत होती है, क्योंकि आशा बनने लगती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस स्ट्रगल ने, मेरे स्ट्रगल ने और इस स्ट्रगल को बड़े पर्दे पे आने में एक लोगों के अंदर एक आशा का निर्माण किया है। आप
आप जब दिल्ली आए यूपीएससी की तैयारी करने लगे, तब आपकी मुलाकात हुई एक तरीके से आपके गुरु, आपके भाई, आपके बड़े अच्छे दोस्त विकास दिव्य कीर्ति जी से। उन्होंने आपकी कहाँ तक मदद की, वो मदद कैसी रही, कैसे आप उन दिनों को याद करते हैं? विकास दिव्य कीर्ति सर से मेरी जो मुलाकात हुई थी वो क्लासेस में हुई थी, पर वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जितना बोला जाए कम है, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है उनको। लेकिन वो मैं बात बता रहा हूँ आज से करीब करीब 20-22 साल पुरानी, जब वो खुद ही भी इस्टेब्लिश हो रहे थे तब भी उन्होंने मेरी मदद की हर तरीके से। वो दौर था जब मैं चाहता था कि कोई एक आदमी ऐसा मिल जाए जो कि ये कह पाए कि यार ताकत है तेरे अंदर, दम है तेरे अंदर, क्योंकि उस समय ना बड़ी दिक्कत होती है, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है। तो सर ने क्लासरूम में एक बार बोला था कि ये कौन लड़का है, बड़ा अच्छा लिखता है, इस लड़के को मुझे लगता है कि ज़रूर बनेगा। और वो जो सब थे वो इतने ज़्यादा मोटिवेट करने वाले थे मुझे कि उसके बाद लगातार मैं आगे बढ़ता चला गया। सर ने हमेशा अपने पीठ पर हाथ रखा मेरे, और आज भी मेरे लिए वो उतने ही ज़्यादा मार्गदर्शक गुरु हैं। आज भी मैं किसी भी दौर में कभी भी कोई भी सलाह लेता हूँ उनसे ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका विश्वास मुझ पर बहुत है। और जो ईमानदारी और ऑनेस्टी का जो मैंने एक शपथ ली है, उस शपथ में मुझे ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है जो मेरे जैसे हों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनको इकट्ठा होना चाहिए, उनको एक दूसरे से बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ताकत बढ़ती है एक दूसरे की। नहीं तो क्या होता है कि जो खराब लोग हैं इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद आपको परेशान करते हैं, और आप इतने ज़्यादा अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ईमानदार आदमी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, वो ईगोइस्टिक है। उसको लगता है मुझसे ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता, मैं हूँ ना यार। और उस चक्कर में क्या करता है, वो किसी दूसरे आदमी को उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं देता। मुझे लगता है कि ऑनेस्टी विदाउट ईगो अगर किसी के पास है तो ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए। अभी भी मेरी लाइफ में सर, जब भी मुझे कोई अच्छा आदमी मिलता है मैं पकड़ लेता हूँ उसको, मैं जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वही अच्छे लोग एक दिन देश बदलेंगे, यही अच्छे लोग हैं जिनके साथ पूरा देश जुड़ सकता है। और फिर यूपीएससी का आपका इंटरव्यू हुआ, आपने पहले बताया कि आपका अंग्रेजी में थोड़ा हार्ड टंग था जिसको बोलते हैं, और आप तो एक ऐसे भी लिख के आए बहुत ज़ोरदार, वो बड़ा मज़ेदार वाकया हुआ, उसके बारे में बताएं। और एक यूपीएससी में जो आपसे सवाल पूछे गए अंग्रेजी को लेकर, आईआईटी आईआईएम के स्टूडेंट्स को लेकर, वो बताइए, वो बहुत इंस्पायरिंग है। जो भी बच्चा गांव से आया है या छोटे शहर से आया है, उसकी बड़ी समस्या है अंग्रेजी, इंग्लिश, और वो समस्या हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती वहाँ पर, नहीं है कॉन्वेंट स्कूल, अगर कॉन्वेंट स्कूल नहीं है तो उसको जो भाषा आती है वो उसकी हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें कंफर्टेबल है वो। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था। मुझे याद है जब मैं मेंस लिखने गया था, प्री मेरा हो गया था, मेंस लिखने गया और अंग्रेजी से इतना डरा हुआ था, क्योंकि एक पेपर होता है अंग्रेजी का क्वालिफाइंग पेपर, और उस पेपर में मैं रट के गया था यार, कास्ट टेररिज्म आ जाए, टेररिज्म आ जाए, टेररिज्म में तैयारी करके गया था, क्योंकि उसमें रटना पड़ता है दिमाग। अंग्रेजी बोलने वाले जो हिंदी वाले लोग हैं उनकी बड़ी समस्या है, जो लोग हिंदी वाले हैं और अंग्रेजी बोल रहे हैं या रीजनल लैंग्वेज वाले अंग्रेजी बोल रहे हैं उनको समझेंगे वो, उनको पहले हिंदी में सोचना पड़ता है, प्रोत्साहन देने के पहले सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, फिर ध्यान रखना पड़ता है कि यार मैं पास्ट में बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में बोल रहा हूँ, प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, फिर उसको लगता है कि यार मेरे को हेल्प बोला, लेकिन हेल्प बोलना चाहिए था। ये इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा द्वैत है इस देश का, और आज़ादी के 75 साल के बाद भी बना हुआ है, और ये इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो धीरे 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 जबरदस्ती डाल रहे हैं हम लोग हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर 4-5% लोग हैं देश में जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन उन 4-5% लोगों ने तय कर दिया है कि चूंकि वो अंग्रेजी जानते हैं इसलिए वो ऊपर हैं और तुम नीचे हो। आप यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देश के हर सिस्टम में, बड़े सिस्टम में सिर्फ इंग्लिश में बात होती है, प्रेजेंटेशन इंग्लिश में, हर चीज़ इंग्लिश में, कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कोर्ट में भी आप एक्यूज हैं, आप जज हैं, और मैं खड़ा हुआ हूँ कि मेरा केस चल रहा है, आपस में बात कर रहे हैं आप लोग, क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरे बारे में बात चल रही है। और उसके बाद धीरे से मेरा वकील मुझे बताता है कि सुनो तुमको सजा होगी 20 साल की। अरे यार मेरे को मेरी बात, तुमने मेरी बात पूरी रखी कि नहीं साहब के सामने, पता ही नहीं है। तो ये बड़ा मौकरी सिस्टम चल रहा है देश में हमारे,
और इस देश के सिस्टम को को मुझे लगता है आवाज़ देने की ज़रूरत है कि भैया रीजनल लैंग्वेज हिंदी ये सब हमारी अपनी भाषाएं हैं, इनसे हम क्यों डर रहे हैं, क्यों इनको लाना नहीं चाहते। तो ऐसी पृष्ठभूमि से मैं आया था। मैंने निबंध लिखा आराम से, टेरिज्म इन इंडिया, खुश होकर बाहर आया कि बस इस बार तो निकल ही जाएगा। बाहर आके मालूम चला कि बेसिकली पेपर में तो टूरिज्म इन इंडिया आया हुआ है, टेरिज्म आया ही नहीं है। तो इस तरीके के प्रोसेस में मेरा ये इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, मेरा मैथ भी कमज़ोर था, तो मैं कैसे स्ट्रगल करूँ, उसे कैसे निकालूँ। उसमें ये सवाल हुआ कि भाई आप 12th फेल हैं, यहाँ IIM के लड़के आए हुए हैं, IIT के लड़के आए हैं, वो आपको क्यों चुना जाए, ये आपसे UPSC में सवाल। यस, ये हर जगह था। एक्चुअली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो अब सॉर्ट आउट हुआ है जाके, वो था 12th में फेल होना। वो दाग था, 12th में फेल हो गए तुम कुछ नहीं कर सकते, 12th में फेल हो गए तुम कुछ नहीं कर सकते, 12th में फेल हो गए तुम कुछ नहीं कर सकते। वो लकीली वो पिक्चर बन गई, तो कम से कम 12th फेल होने का कुछ फ़ायदा हुआ। तो ये था कि मुझे यही पूछा जा रहा था कि भाई यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कैसे प्रशासन चलाएंगे, कैसे सिस्टम बनाएंगे, तो आपको हम क्यों लें। तो मैंने उनको ये समझाया था इंटरव्यू में कि अगर इस गिलास में पानी महत्वपूर्ण है, स्टील का गिलास है या कांच का गिलास है, क्या अंतर पड़ने वाला है। पानी सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, वैसी भाषा कोई भी रहे, मेरे विचार ठीक होना चाहिए, वो देखिए आप। ऐसे ही एक मुद्दा ये था कि भाई IIM के बच्चे, IIT के बच्चे, वो योग्य बच्चे हैं, वो अगर इतने योग्य हैं तो हम आपको क्यों लें। तो मेरा इसमें ऐसा बोलना है कि देखिए इस देश में तुलना अगर किसी को करना है तो संसाधनों को लेके कीजिए आप। मेरा बेटा अभी मुंबई में पढ़ता है, बेहतरीन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, उसको दिक्कत हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। वो हिंदी में नंबर कम आते हैं, इंग्लिश में बहुत नंबर आते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि उसको बचपन से वही सब मिल रहा है। एक बच्चा मेरे गांव का दोस्त है राकेश, उसका बच्चा नहीं पढ़ पाता। तो मेरा बोलना ये है कि आप संसाधनों को बराबर लाइए, या तो फिर आप बराबरी कीजिए, और नहीं है तो आप ये देखिए कि कौन कहाँ से आ रहा है। मैं अपने गांव से, चंबल के उस बिलगांव गांव से अगर इंटरव्यू देने तक आया हूँ, यहाँ तक आया हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं नंगे पैर आया हूँ ना, मैं चप्पल पहन के नहीं आया हूँ, मेरे को सुविधाओं से नहीं आया हूँ मैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं कि किताब आ गई, आपकी फिल्म आ गई, क्या मिला आपको इन दोनों से, किताब से, फिल्म से? मुझे पर्सनली पूछा जाए तो पर्सनली कुछ नहीं मिला क्योंकि न मैं कभी किसी से कुछ पैसा लेता हूँ, न मैंने कभी किसी तरह का कोई लाभ लेने की कोशिश की है। मैं विशुद्ध ईमानदार व्यक्ति हूँ, जैसे सिलेक्शन के समय था वैसा आज भी हूँ, मेरी वाइफ वैसी ही है। मैंने और मेरी वाइफ ने जब तैयारी कर रहे थे तब उस समय तय किया था कि हम डायमंड और ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, उसने आज तक नहीं पहनी है, तो पैसा खर्च होता नहीं है कहीं भी। तो ये जो गिफ्ट सिस्टम है, एनिवर्सरी पे गिफ्ट, बर्थडे पे गिफ्ट, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अगर गिफ्ट देना है तो लिख के देते हैं कुछ एक दूसरे को, वहाँ जा कर के दुकान में जाना नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लाभ मुझे जो है ना वो ये है कि मेरे अंदर की जो बातें थी, जो ये देश को मैं देना चाहता था, वो आप लोगों के सामने आई हैं। सामने एक पिक्चर के माध्यम से आई हैं, मूवी के माध्यम से आई हैं, किताब के माध्यम से आई हैं। तो उसमें से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मुझे खुशी तब होती है, जो मुझे मिला है वो ये मिला है कि कोई स्कूल के इतने सारे लेटर बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं के मेरे पास भेजते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि हम आपको जैसा बनना चाहते हैं, हम आपको अच्छा ईमानदार बनना चाहते हैं, सच्चे बनना चाहते हैं। वो मेरे लिए गैन है। अगर कोई बेटा फ़ोन करता है मुझे कि यार मेरे सर, मेरे ना पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया था, वो बोलते थे कि मैं 20-22 किलोमीटर साइकिल चलाता था लेकिन समझ में नहीं आता था, ये पिक्चर देख के समझ में आया और मैंने अपने फादर को जाके हक किया। वो मिला मुझे कि मैं इस पिक्चर के माध्यम से विनोद चोपड़ा जी के कारण, नहीं तो इतनी सारी कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं, कौन किसकी कहानी कहाँ कहने वाला है, कौन मिलता है किसी कहानी कहने के लिए। हर एक दुनिया में कहानी है, क्योंकि ये कहानी स्पेशल कहानी नहीं है, ये साधारण कहानी है, एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो गली मोहल्ले गांव बिलगांव सब जगह मिल जाएगा आपको। आप क्या सोचते हैं सर? अगर मुझे याद है कि जब किताब आई थी तो मैं आपसे एक कोटेशन चाहता था, बहुत पहले, मैं सर को बहुत बहुत सालों से जानता हूँ,
बहुत सालों से पढ़ता हूँ, 100 सालों से इनके बारे में टीवी पे डिबेट देखता हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि मेरी किताब पे एक कोड आ जाए, साफ किया जाए, दिबांग साहब कुछ लिखने के लाइन। तो मैं हमारे यहाँ के जो जो मुंबई के जो दोस्त हैं मेरे एवीपी वाले, उनसे बोला, मैंने दीक्षित जी को बोला, विकास भदौरिया को बोला, आपने मुझे वो लाइन दी, मेरे लिए कितनी कीमती थी आपको पता नहीं है, वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ थी। ये सब चीज़ें मिल रही हैं मुझे इस पूरे सिस्टम से, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर ज़्यादा नहीं, थोड़े लोग भी अगर ये सोचते हैं कि ईमानदारी से मेहनत करना है, भाड़ में जाए बेईमानी, शॉर्टकट भाड़ में जाए, लंबा रास्ता है लेकिन ईमानदारी का रास्ता लेना है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इससे बड़ा और सुख और कुछ भी नहीं हो सकता सर। तो मैसेज साफ है कि मेहनत कीजिए, और मैसेज ये कतई नहीं है कि एक बार आप लोग ट्वेल्थ में फेल हुए तब आगे मेहनत कीजिए, ट्वेल्थ में फेल ये हो चुके हैं, वो कहानी हो चुकी है। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो हमारी ऑडियंस की तालियां ही बता रही हैं कि कितने प्रेरणादायक हैं मनोज जी, एंड देयर इज क्लियरली अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच इतनी सारी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्लीज स्टेज पर बने रहिए, मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी राजीव दुबे जी को, मीडिया हेड डाबर इंडिया, टू प्रेजेंट अ मोमेंटो फ्रॉम आइडियाज ऑफ इंडिया। आपको ये भी बताना चाहेंगे, मनोज जी आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एबीपी नेटवर्क कुछ खास इंडिविजुअल्स को चेंज मेकर फॉर गुड अवार्ड दे रहा है ड्यूरिंग आइडियाज ऑफ इंडिया, एंड यू आर आर चेंज मेकर फॉर टीचिंग अस हाउ टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट एनी शूज एंड विदाउट एनी ऑक्सीजन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी अविनाश पांडे जी को, CEO एबीपी नेटवर्क, प्लीज कंफर्म दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड चेंज मेकर फॉर गुड, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, IPS एंड DIG मुंबई।